हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में इस आतंकी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पूरा देश आज इस घटना से आहत है और इस दुख की घड़ी में हम सब शहीद परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वे घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उन्होंने इस घटना के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की पुष्टि की। उन्होंने इस घटना में शहीद हुए तिलकराज को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीद परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की कामना भी की। उन्होंने इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बिलासपुर में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष तुषार डोगरा की अध्यक्षता में पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी की। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष तुषार डोगरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दिन प्रतिदिन कायराना हरकतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार को पाकिस्तान के विरुद्ध चुप्पी तोड़नी चाहिए और एक एक करके देश के हजारों जवान पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि शीघ्र केंद्र सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई अमल में लाए। देश की जनता अब सीधे पाकिस्तान से उसकी कायराना हरकतों का उत्तर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है। कल जो कश्मीर के पुलवामा में हमारे भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तान का एक जो हमला नपुंसक हमला किया गया उसकी बजरंग दल घोर निंदा करता है। बिलासपुर के युवा वर्ग में बहुत भारी आक्रोश इसको देखने के लिए मिल रहा है। हम आज यहां के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब डायरेक्ट अटैक का समय आ चुका है और आतंकवाद का जो सर है उसे कुचलने का समय आ चुका है। आज यहां पर जो युवा साथी यहां आए हैं, हमने जैश ए मोहम्मद, आतंकवाद और पाकिस्तान का जो पुतला फूका, ये संकेत करता है कि हिमाचल का जो हमारे जवाली के अमर जवान एक तिलकराज शर्मा जी शहीद हुए, उनकी शहादत को असली नमन तब होगा जब डायरेक्ट अटैक होगा और आतंकवाद का सिर कुचला जाए। जो हादसा हुआ पुलवामा में हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूं और यहां के जो स्थानीय युवा हैं उनमें इसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ना होकर एक सीधा अटैक होना चाहिए। इसको लेके ये एक निंदनीय कार्य है, ये कायराना हरकत है पाकिस्तान के द्वारा की गई है, जो अगर सामने से अटैक होता तो हमारे जो फौजी भाई हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते, पर ये जो घात लगा के हमला किया गया है बहुत ही निंदनीय है।